हेलो चिल्ड्रन, टुडेज सब्जेक्ट इज एसएस चैप्टर 10 वाटर सोर्सेस। वाटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। वाटर सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस में इम्पोर्टेंट है। लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग एंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। इसमें सारे में हम यूज करते हैं वाटर का। मैनी पीपल इन इंडिया प्रैक्टिस फार्मिंग करते हैं। रेन इज द चीफ सोर्स ऑफ वाटर फॉर अवर फार्म्स। फार्म के लिए रेन इज द मेन सोर्स। रेनफॉल इज रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू मंथ्स एंड इज ऑल्सो इरेग्युलर एंड हैंस इनएडिक्वेट फॉर द होल ईयर। पूरे साल में रेन आते नहीं है या फिर इरेग्युलर रेन होते हैं। दस वी कैन नॉट डिपेंड ओनली ऑन द रेन्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। तो हम ओनली रेन पे डिपेंड नहीं रह सकते। फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड फॉर देयर लार्ज प्रोडक्शन एडिक्वेट एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इज एसेंशियल। उसका अच्छे से ग्रोइंग क्रॉप करने के लिए या फिर उसका जो पूरे साल तक आपको ग्रोइंग क्रॉप करना है तो उसको रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स सच एज कैनाल्स, वेल्स एंड इरिगेशन टैंक्स हैव बीन बिल्ट टू वाटर द फील्ड ड्यूरिंग द ड्राई मंथ्स ऑफ द ईयर। वो सारे ऐसे जो कैनाल, वेल्स एंड इरिगेशन टैंक्स बनाते हैं उससे हमको क्या होता है, जब जरूरत होती है तब फील्ड को हम पानी दे सकते हैं ड्राई मंथ्स। हियर यू कैन सी ट्यूब वेल एंड अ डैम, दैट इज अ रिजर्वोयर। कैनाल इरिगेशन चैनल्स आर डग टू बिल्ड कैनल अलोंग द कोर्स ऑफ रिवर। कोर्स ऑफ रिवर पे हम डग करते हैं चैनल्स लंबी लाइन तक। दे कैरी स्टोरेड रिवर वाटर टू फिल एज एन वेन रिक्वायर्ड। जब भी जरूरत होती है तब उसमें हम स्टोर करते हैं, यूज करते हैं। अगेन वेन द रिवर्स आर फ्लडेड ड्यूरिंग द रेन, जब रिवर फ्लड होती है तब एक्स्ट्रा वाटर इज डाइवर्टेड इन टू द कैनल दैट कैरी वाटर टू डिस्टेंट फील्ड। जो बहुत दूर दूर तक फील्ड है उसमें वाटर कैरी करने के लिए कैनाल यूजफुल होते हैं। अ नेटवर्क ऑफ मैन मेड कैनाल्स कैन टर्न अ बैरन लैंड इनटू अ ग्रीन लैंड। जो कैनाल का नेटवर्क है, जो मैन मेड है, वो बैरन लैंड जो वेरन होती है उस जमीन को वो ग्रीन बना सकते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कैनाल आर द शिवहित कैनाल, आगरा कैनाल, नर्मदा कैनाल, भाखरा कैनाल एंड द इंदिरा गांधी कैनाल। ये बहुत सारी इम्पोर्टेंट कैनाल है जो बड़ी बड़ी है। अलोंग द कोर्स ऑफ रिवर यूज कॉन्क्रीट वॉल्स कॉल्ड डैम्स। जो कैनाल है उसके आगे ये जो बनाई जाती है बहुत बड़ी वॉल उसको डैम बोलते हैं। दिस डैम्स ब्लॉक द फ्लो ऑफ द रिवर वाटर दस फॉर्मिंग लैक्स बिहाइंड दिस वॉल्स। रिवर फ्लो का तो उसमें क्या होता है, लेक जैसा बन जाता है उसमें और रिजर्व होता है वाटर। दिस मेन मेड लेक्स कॉल्ड रिजर्वॉयर स्टोर वाटर। दिस वाटर इज डाइवर्टेड टू कैनाल टू इरिगेट द फील्ड। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु हैव अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कैनाल। ये सब जगह पे बहुत सारे बड़े बड़े नेटवर्क है कैनाल के। वाटर फ्रॉम द रिजर्वॉयर इज अलाउड टू फ्लो फ्रॉम अ हाई लेवल टू द ग्राउंड लेवल। जो ये वाटर रिजर्वॉयर बनाते हैं वो हाई लेवल पे बनाते हैं क्योंकि वो फ्लो उसका हाई लेवल से ग्राउंड लेवल तक जाता है। द एनर्जी फ्रॉम दिस वाटर फोर्स इज यूज टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो ये ऊपर से डाउन आते हैं उसमें जो एक एनर्जी क्रिएट होती है उससे हम क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। हाइड्रो मीन्स पानी और इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। सो पानी में से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। द वाकरा नांगल कैम बिल्ट अक्रॉस रिवर सतलुज प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी टू दिल्ली एंड इट्स नेबरिंग स्टेट। जो वाकरा नांगल रिवर के ऊपर सतलुज रिवर के ऊपर वाकरा नांगल डैम बनाए हैं उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है वो दिल्ली को और नेबरिंग स्टेट को भी प्रोवाइड करते हैं। वाटर्स फ्रॉम दिस डैम हेल्प इरिगेट लार्ज एरियाज ऑफ लैंड इन द नॉर्थर्न स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। जो यहाँ पे है पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे वाटर हेल्प करते हैं इरीगेट करने के लार्ज एरिया में। डैम्स ऑल्सो हेल्प इन अ कंट्रोलिंग फ्लड इन द रिवर बेसिन। रिवर बेसिन में अगर फ्लड आता है तो डैम
उसका रिजर्वायर करते हैं। डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एज दे प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन, जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड हेल्प कंट्रोल फ्लड। डैम्स को मल्टीपर्पज बोलते हैं क्योंकि वो इरीगेशन के लिए भी यूज होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज होते हैं और फ्लड को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। मैनी सच प्रोजेक्ट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अलोंग मेजर रिवर इन इंडिया। इंडिया की ऐसी बहुत सारी रिवर है जहाँ पे डैम बनाए गए हैं, तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दैट वी हैव नो, द भाखरानांगल डैम ऑन द रिवर सतलुज इज वन ऑफ द हाइएस्ट डैम इन द वर्ल्ड विथ अ हाई हाइट ऑफ 226 मीटर। वो 226 मीटर पे सबसे ऊंचा है। द हीराकुंड डैम ऑन द रिवर महानदी इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम इन एशिया, सबसे लंबा है। जवाहरलाल नेहरू द प्राइम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कॉल्ड द डैम द टेम्पलेट ऑफ मॉडर्न इंडिया, उन्होंने डैम का नाम दिया। द इंदुकी डैम इन केरला इज एशियाज बिगेस्ट आर्क डैम ऑफ 555 फीट हाई, प्राउडली स्टैंडिंग बिटवीन टू हाई माउंटेन के बीच में वो डैम बनाया गया है इंदुकी डैम का। हमने देखा, अब देखते हैं वेल इरिगेशन। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर डग टू सप्लाई वाटर इन एरियाज वेयर नो मेजर रिवर फ्लो बट अंडरग्राउंड वाटर इज अवेलेबल। जहाँ पे रिवर का वाटर अवेलेबल नहीं है पर हम जमीन में डग करके हम वेल्स एंड ट्यूबवेल बना सकते हैं। द वाटर इज ड्रोन आउट बाय अ पर्सियन व्हील और राहत, जो यहाँ पे दिखता है। वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम ओपन वेल्स विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स एट प्लेसेस वेयर द अंडरग्राउंड वाटर इज एट अ ग्रेट डेप्थ, होल्स आर ड्रिल्ड एंड आर फिटेड विद अ पाइप्स। वहाँ पे डिग करके बहुत ही डेप्थ लेवल पे हम होल बनाते हैं, फिर उसको ड्रिल करते हैं, वहाँ पे एक पाइप फिट करते हैं। वाटर इज देन पम्प्ड आउट थ्रू दिस होल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पम्प। इलेक्ट्रिक पम्प या मोटर्स है, हम उसको नीचे जो पानी इकट्ठा होते हैं उसको हम ऊपर लाते हैं। दीज आर कॉल्ड ट्यूब वेल्स। सच वेल्स एंड ट्यूब वेल्स आर मोस्टली फाउंड इन उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। हियर इट इज अ हैंडपम्प, हैंडपम्प से पानी खींचा जाता है और दिस इज द वेल, यहाँ पे हम बाल्टी के थ्रू हम पानी निकालते हैं। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट, द आर्ट ऑफ इरीगेशन गोज बैक टू एंशियंट टाइम, जो एंशियंट टाइम में बहुत ही यूज होते हैं। नीरा द रिमेनेंट्स ऑफ अ कैनल अबाउट 395 फीट वाइड एंड 33 फीट डीप कैन बी ट्रेस्ड, इतनी लंबी कैनल थी। इन इजिप्ट अ 12 माइल लॉन्ग कैनल कैन बी ट्रेस्ड विच कनेक्टेड द रिवर नाइल टू अ लेक यूज्ड एज अ रिजर्वॉयर। वो नाइल रिवर को कनेक्ट करती थी रिजर्वॉयर करने के लिए, जो 12 माइल लॉन्ग कैनाल थी। नाउ वी लर्न अबाउट द टैंक इरीगेशन। इन मेनी एरियाज वेयर द लैंड इज अनइवन, जो सेमनी होती है प्लेन्स, रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन द होलोज ऑफ लोलैंड, जो जहाँ पे लोलैंड होगी वहाँ पे रेन वाटर कलेक्ट होगा, फॉर्मिंग नेचुरल वाटर टैंक। वो नेचुरल वाटर टैंक जैसा बन जाता है जहाँ पे वाटर इकट्ठा होता है। दिस स्टोरेड वाटर इज देन यूज टू इरीगेट फील्ड, वो वाटर को हम इरीगेट करने, फील्ड को इरीगेट करने के लिए यूज करते हैं। दिस मेथड ऑफ टैंक इरीगेशन इज प्रैक्टिस्ड मेनली इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। दिस टैंक इरीगेशन मेथड है जो ज्यादातर आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में यूज होती है। वी नीड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर फॉर वेरियस पर्पजेस, हमको वेरियस पर्पजेस के लिए लार्ज क्वांटिटी चाहे फ्रेश वाटर की। इन सिटीज वाटर इज मेड अवेलेबल थ्रू टैप्स, सिटीज में टैप्स के थ्रू हमको वाटर अवेलेबल होता है। इन रूरल एरिया पीपल ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, रूरल एरिया में वेल्स से ड्रॉइंग करते हैं वाटर और रिवर से करते हैं, लेक से करते हैं, पॉन्ड से करते हैं, जो लेने जाना पड़ता है वहाँ से वाटर। बट टूडे स्टेट गवर्नमेंट्स आर वर्किंग टूवर्ड्स रीचिंग वाटर सप्लाई टू एवरी होम इन द विलेज। अभी के हमारी गवर्नमेंट ऐसा काम करने के लिए जुड़ी हुई है कि हर जगह, हर एक विलेज के हर एक घर में, घर तक पानी पहुंचाया जाए। वाटर इज अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स एंड वी शुड नॉट वेस्ट इट। वाटर हमारा सबसे बड़ा वैल्यूएबल और नेचुरल रिसोर्स है जो हमें कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए।